जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ प्रभु श्री राम के परम भक्त के पास, जहाँ पे हर प्रकार के रोगों का निवारण होता है दोस्तों। हर प्रकार के रोग, दुख और दर्द ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, गांव से मंदिर तक का सफ़र अपन बाइक पे तय करेंगे दोस्तों, और जो भी अपने इधर आ रहे हैं वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारे गांव के कुछ फलियां हैं दोस्तों, और इन फलियों में होके अपन मंदिर तक जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अपन चलते रहेंगे आगे आगे दोस्तों, और देखते हैं मंदिर का सफ़र किस तरह से कटता है दोस्तों। दोस्तों गांव के अब भी चारों तरफ हरियाली है, पानी बहुत दिनों से आया नहीं है। अपन प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी, यानी कि कल तक पानी गिर जाए दोस्तों। दोस्तों अपन चलते रहेंगे आगे आगे और बढ़ते रहेंगे, और मंदिर का रास्ता कटता रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। भाई बाइक बहुत तेज़ दौड़ रही है अपनी, और आगे लेके जाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से रोड के आसपास घर बने हुए हैं, और गांव में किस तरह से एकदम हरियाली होती है और एकदम शुद्ध वातावरण रहता है दोस्तों। दोस्तों चलिए और आगे चलते हैं। यहीं पे अपने को ये साइकिल वाला बंदा मिला है, और जा रहे हैं ये साइकिल बैठ के दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या आता है। ये छोटा सा लड़का दूध लेके आ रहा है लोटी में, और आगे चलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये पुल बहुत ही नीचा था, ये अभी रोड बना है इसकी वजह से अच्छा हो गया है, और अब यहाँ से बाइक और फोर व्हीलर गाड़ी भी अच्छे से निकल जाती है, नहीं तो पानी भरा हुआ रहता था बहुत। और अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दो बंदे आगे पैदल पैदल जा रहे हैं दोस्तों, इनको देखते हैं कोई लिफ्ट मांग रहा है शायद। बाइक रोक देंगे, इसको बिठा लेंगे दोस्तों। आइए इसको बिठाते हैं। चलो इसको बिठा लिया, और आगे चलते हैं। और आगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे। और आज मंगलवार है, प्रभु श्री का दिन है, और आज अपने को इनके दर्शन करने जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये झंडियाँ भगवा कलर की लहरा रही है, एक खाली और आई है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। भाई अब तो बाइक बहुत तेज़ दौड़ रही है, अब धीरे करने पड़ेगा। मोड़ आ गया यहाँ से, और दौड़ाई दोस्तों। ये स्कूल की गाड़ी है, आप देख सकते हैं बाउंड्री और RCC रोड आ गया है। अब कुछ ही देर में अपन मंदिर पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों मंदिर पे जाते ही अपन सबसे पहले बाइक खड़ी करेंगे, बाइक खड़ी करने के बाद और आगे जाएंगे, और जाते ही घंटी वंटी बजाएंगे। चलिए दोस्तों आ गए हैं अपन, अब कुछ ही दूर ही रहे हैं। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं दोस्तों, और अब अपन आखिरकार आ गए हैं दोस्तों। जय श्री राम। सबसे पहले अपन मंदिर में जाने से पहले बाहर घंटी बजाएंगे। भक्तगण बहुत सारे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आज किस तरह से भीड़ हो रही है मंदिर पे। और हम अब दर्शन करेंगे, सभी के माला ले लेके खड़े हैं दोस्तों। दीपक जल रहा है थाली में भाई। नमः शिवाय नमः शिवाय। ये है अपने राम भक्त श्री हनुमान जी। यहाँ पे जाने से हर प्रकार की बीमारी का निवाश होता है, निवारण हो जाता है, और हर प्रकार का रोग खत्म हो जाता है इनके पास जाने से दोस्तों। ये हर प्रकार की बुरी नज़रों से बचाते हैं। चलिए दोस्तों अब और आगे चलेंगे, और शिव जी से मिलेंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणेश जी, कार्तिक जी, प्रणाम आपको, नमः शिवाय। देख सकते हैं आप भक्तगण किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों।
दोस्तों यह मंदिर थानला के बाहर नगर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे थानला और आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं। तो कमेंट करके बताइए हमारा ये हनुमान जी का मंदिर कैसा लगा। जय श्री राम दोस्तों।